आयुर्वेद के इतिहास में इस पद्धति की दवाओं की उतनी बिक्री नहीं हुई जितनी कोरोना के वैश्विक संकट काल में हुई। दुनिया भर ने भारत की देन आयुर्वेद का लोहा माना है। आज अमेरिका में 70% लोग आयुर्वेद की दवाओं की ओर उन्मुख हैं। इसका कारण यह है कि यह पद्धति रोगी के रोग को तो ठीक करती ही है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। आयुर्वेद ऐसी विधा है जो चिकित्सा जगत को काफ़ी आगे ले जा सकती है। यह बातें राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया प्रयागराज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जीएस तोमर ने कही। वह गुरुवार को महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम की संस्था गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में BMS प्रथम वर्ष के नवागत विद्यार्थियों के दीक्षा पाठचर्या ट्रांजिशनल करिकुलम समारोह के चौथे दिन आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे थे। उन्होंने कहा, आयुर्वेद रोगी के रोग के अनुसार इलाज करने की पद्धति है और इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद में एक तरह की बीमारी में अलग व्यक्तियों को अलग तरह की दवाएं मिलती हैं। प्रोफेसर तोमर ने बताया कि आयुर्वेद में किसी तरह की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं होता, इससे पुरानी से पुरानी बीमारी का सफलता से इलाज होता है। उन्होंने आज के दौर में आम हो चुकी डायबिटीज़ के इलाज की एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच तुलना करते हुए कहा कि आयुर्वेद न केवल ग्लूकोज लेवल का प्रबंधन करता है, बल्कि डायबिटीज़ से प्रभावित होने वाले अंगों की भी रक्षा करता है। दीक्षा पाठचर्या में BRD मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर राजकिशोर सिंह ने इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न मेडिसिन एंड अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आरोग्यता के 8 आयाम होते हैं, भावनात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, पेशेगत, वित्तीय, पर्यावरणीय और भौतिक। उन्होंने बताया कि रोगों के निदान के लिए कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन, कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंटरग्रेटिव मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसमें कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन की उपयोगिता को इस परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है कि इससे रोगी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक उत्पाद आयुर्वेद, योग, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन आदि कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन का ही एक अंग है। एक अनुमान के मुताबिक 1997 में ही 15 मिलियन वयस्क हर्बल रेमेडीज का परामर्श ले रहे थे। एक अन्य सत्र में आयुर्वेद के इतिहास दर्शन अवधारणा विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्रिया विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म केंद्र इसी आयुर्वेद कॉलेज में खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहते हैं और इसके सिद्धांतों को आज तक कोई गलत नहीं ठहरा सका है। आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के व्यक्ति का रोग निदान करना, आरोग्यता प्रदान करना। दीक्षा पाठचर्या समारोह में गुरुवार के पहले सत्र में महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने हमारा विश्वविद्यालय विषय पर सारगर्भित वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि शोध उसकी मौलिकता व उपयोगिता को लेकर महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि शोध मौलिकता व उपयोगिता ही किसी विश्वविद्यालय की पहचान होती है। गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिर्फ अध्ययन का संस्थान नहीं है, बल्कि प्राचीनतम आयुर्वेद को नवीनतम शोध व अनुसंधान से जन आरोग्यता का मंत्र बनाने का भविष्य का केंद्र है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की महत्ता को देखते हुए DRDO और IIT जैसी संस्थाएं भी इस पर शोध कर रही हैं। उन्होंने बताया कि BMS का बैच प्रारंभ करने के साथ ही इस विश्वविद्यालय ने MBBS की पढ़ाई शुरू करने के लिए पहल कर दी है। डॉक्टर राव ने विश्वविद्यालय द्वारा तय मानकों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र वंदना, ज्ञान वंदना व धर्म वंदना प्रार्थना सभा के प्रमुख स्तंभ हैं, इसलिए पूरी प्रार्थना का ज्ञान व उसका ज्ञान होना अवश्य हो चाहिए। वक्ताओं का स्वागत गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर पी सुरेश ने किया। कार्यक्रमों में प्रोफेसर डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही।